एक बार कुणाल जंगल की तरफ जा रहा था। उसे राजा ने किसी काम से भेजा था, लेकिन वो अकेले ही था। सिपाही वगैरह साथ में नहीं लिए और जंगल की तरफ निकल पड़ा। शाम हो गई, वो रास्ता भटक गया। इतने में एक राक्षस उसी की तरफ बढ़ रहा था। उस राक्षस ने उस पर हमला कर दिया और कुणाल वहीं पर ढेर हो गया। कुणाल को उस राक्षस ने बोलने का मौका ही नहीं दिया। इधर कुणाल का भाई राजा के पास आया और कहने लगा, मेरा भाई अभी तक नहीं आया, आपने उसे कल कुछ काम से भेजा था। राजा ने कहा, वो ज़रूर आएगा, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे सारा जंगल ढूंढूंगा। उसके भाई ने कहा, ठीक है राजा साहब। इधर राजा जंगल की तरफ निकल गया क्योंकि उसका सिपा सालार बहुत ख़ास था। इधर उधर तलाश करने लगा लेकिन वो नहीं मिला। इधर कुणाल के माँ बाप परेशान थे और कह रहे थे एक दूसरे से कि हमारा बेटा अभी तक घर नहीं लौटा, राजा जी उसे ढूंढ लेंगे, तलाश कर लेंगे, वो उनका ख़ास आदमी था। कुणाल का भाई घोड़े की तरफ घास डालता है और कुणाल की याद करता है। उतने में एक राक्षस आता है और वो राक्षस कुणाल के भाई की तरफ पड़ा। कुणाल डर गया। उस राक्षस ने कहा, मैंने तेरे भाई को खाया है, वो बहुत दिनों से मेरे जंगल में घुसने की कोशिश करता था। याद रख, ये जंगल मेरा है। आज तेरी किस्मत अच्छी है कि मैंने सुबह ही कसम खाई कि मैं आज किसी को नहीं खाऊंगा, वरना तुझे मैं कच्चा चबाने वाला था। अब चले जा यहाँ से, याद रख, आना मत। इधर राजा ने पुलिस को खबर की और सारे गांव के लोग इकट्ठा हुए। पुलिस वाले ने कहा, राजा जी हम उसे तलाश कर लेंगे, और वो राक्षस है, मुझे राक्षस पर शक है। राजा ने कहा, उस राक्षस को समझाओ वरना उसे वहीं पर ढेर कर दो। सारे गांव के लोग एक जगह हो गए। उसके बाद पुलिस ने उस राक्षस का पीछा किया और राक्षस को समझाया कि गांव से दूर चले जाओ वरना राजा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। राक्षस ने कहा, ये जंगल मेरा है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ज़रूरत पड़ने पे तुझे भी मार दूंगा। पुलिस वाला दंग रह गया। इधर राजा जंगल की तरफ जाने लगे और राक्षस को देखते ही तीर चलाया क्योंकि वो पुलिस वाले को बचाना चाहते थे। एक के पीछे एक तीर चलाना शुरू कर दिया। डायरेक्ट राक्षस को जा लगा क्योंकि राक्षस पुलिस वाले को मारने ही वाला था कि उसे एक तीर लग गया और वो जगहों पे ही ढेर हो गया। पुलिस वाले की जान राजा ने बचा ली। उस राक्षस को देखते ही राजा ने कहा, ये शैतान ने हमारे सारे लोगों को खाया है, आज इसका बदला हो चुका है। चलो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।